हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सभी लेवल्स को बिल्कुल टेक्निकली देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर। साउथ इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मंथली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मंथली कैंडल में हम लोगों को अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 20 और उसके ऊपर के लेवल पे यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर क्लियरली विजिबल है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो क्लियरली आपको 3 मंथ के एक अच्छे अपमूव के बाद इस स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन डोजी कैंडल के फॉर्मेशन में यहाँ पे अपर वीक रिजेक्शन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस स्टॉक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है ऊपर की साइड आपको 20 का लेवल और नीचे की साइड आपको यहाँ पे 16.50 रुपीज का लेवल। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे 16.50 रुपीज के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, यहाँ पे डाउन साइड आपको ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक स्टॉक 20 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे भी स्टॉक जो है 20 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली बेसिस के लेवल पे जो है वीकली चार्ट के बेसिस के लेवल पे हम लोग लोअर लेवल को थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 15 रुपीज तक का हम लोगों को रेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद से ही एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर देखेंगे एक अच्छा अपमूव हुआ, अपमूव के बाद रिट्रेसमेंट जरूर हुआ बट अगेन शार्प बाउंस बैक हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा रैली ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है 15-20 के बीच में। उसके बाद अगर वीकली कैंडल 20 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 30-35 के लेवल की साइड एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। करेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस 4 मंथ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है, तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे वापस से 20 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी इस स्टॉक में जो है एक अच्छा अपमूव हम लोगों को ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेना है या अपने पोजीशन में और ऐड करना है तो फिर आपको ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, जिसके बाद कि आपको कंफर्म होगा स्टॉक वापस से फ्रेश अप ट्रेंड को स्टार्ट करेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।